नमस्कार, सतश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ प्रियंका। नक्सल प्रभावित राज्यों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अब तक कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है और एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये नक्सली मिलिशिया कमांडर इन चीफ है और इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस बीच दंतेवाड़ा के जिया कोरता के जंगल में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बुधवार को 5 लाख के इनामी मिलिशिया कमांडर इन चीफ को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सली का नाम हांदा कर्रा है। ये मंडावी कटे कल्याण एरिया कमेटी का सदस्य है और 18 साल से नक्सली संगठन में काम कर रहा था। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए इस नक्सली से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो कोई अहम जानकारी पुलिस को दे सकता है। आपको बता दें कि इस नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये नक्सली हत्या, जंगलों में पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश, आईडी लगाने जैसी कई अन्य नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। आपको बता दें कि अब तक पुलिस उसके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने एक बार फिर से नक्सलियों से लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस के सामने हथियार डालते हुए सरेंडर करने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सरेंडर करने के बाद उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सब सच के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।